22 जनवरी को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है मूर्ति की वो होनी है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज परिवहन की बस है उनमें राम भजन बजाने के लिए एक आदेश पारित किया गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ यूपी दिल्ली बॉर्डर कौशाम्बी पर, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो भजन है ये इस स्पीकर के जरिए जो है वो राम भजन जो है लोगों को सुनाया जा रहा है, और यहाँ पर ये राम भजन जो है ये लगातार सुनाया जा रहा है। आप बताइए कि राम भजन जो बजा रहे हैं आप लगातार बजा रहे हैं? हाँ जी लगातार बजा रहे हैं। अच्छा हाँ, तो कब से बजाना शुरू किया है? ये मंदिर से लागू हुआ है जब से राम भजन चल रहा है। अच्छा हाँ, आते और जाते आते जाते चलता रहता हूँ। बिल्कुल, जो राम भजन है ये बजाया जा रहा है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम बातचीत करेंगे। ये बताइए मैडम, आप क्या नाम है आपका? रुचिका। अच्छा रुचिका जी, जो राम भजन आप सुन रहे हैं इससे आनंद आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो सरकार ने कहा है कि भाई राम भजन जो है वो बजाना मैंडेटरी होगा, इससे कई बार नॉइज पोल्यूशन या ऐसी कोई बात दिमाग में आती है क्या? नहीं, मतलब वॉल्यूम कम रखनी चाहिए, बट बजाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अब बताइए। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा ठीक है रहना चाहिए। बिल्कुल, लोग जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं ये बताइए कि राम भजन जो है बसों में बजाया जा रहा है, और तो कैसा समझ रहे हैं आप? अच्छी बात है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि थोड़ा म्यूज़िक थोड़ा लाउड ना हो, थोड़ा नॉर्मल म्यूज़िक रहे तो अच्छा रहता है। अब बताइए, राम भजन बजाया जा रहा है मैडम, तो सुन के मजा आ रहा है? हाँ सही, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अभी के मौके पे जो राम की प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति हो रही है उसी मौके पे बजा रहे हैं? आमतौर पे तो बजाया नहीं जाता। हाँ हाँ, इसी मौके पे सही अपने टाइम से अपना बज रहा है, अच्छा लग रहा है। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए मैडम, राम भजन बजाए सुन के मजा आ रहा है? हाँ जी, अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है, खुशी है इसकी। बिल्कुल, जो लोग हैं अपने अपने तरीके से लोग जो हैं इसको सुन रहे हैं। सर बताएंगे थोड़ा सा राम भजन जो बजाया जा रहा है, आप लोग बताएंगे कुछ राम भजन बजाया जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक सही है, सही है, सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। मतलब इससे दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, आप बताएंगे राम भजन बजाया जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, भजन बजाया जा रहा है, और रास्ते में भी अच्छा लगे, वो रास्ते सुनना बहुत खुशी की बात है कि बसों में भी इस तरीके के काम हो रहे हैं। जो पैसेंजर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये बात जो है वो थोड़ा अच्छी लग रही है, क्योंकि जो राम भजन अभी ये 22 तारीख तक इसका जो आदेश है वो दिया गया है कि 22 तारीख तक जो है वो सभी बसों में और जो प्राइवेट टैक्सी है उनमें राम भजन बजाया जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो होना है। एक माहौल जो है वो बनाया गया है कि राम के नाम पर जिस तरीके से जो राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होगी तो उसको लेकर के लोगों के दिल और दिमाग में कानों तक जो है वो राम का नाम जो है वो लगातार जाए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ नई यूसुफ नोएडा, न्यूज़ 24।